नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। हम पढ़ रहे थे इतिहास के बारे में, हमने प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब हमारे सबसे आखिरी स्रोत जो हमें देगा जानकारी हमारे अपने भारत के इतिहास की, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले की पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से प्राप्त जानकारी। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से सबूत है, कौन सा प्रमाण है। तो पुरातत्व होता क्या है? आर्कियोलॉजी, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो फॉसिल्स जिन्हें हम पढ़ते हैं साइंस में, यानी जो पुराने अंश बचे हुए हैं, जब वो उन्हें धरती के किसी किनकोने से पड़े हुए मिलते हैं या वो दबे हुए मिलते हैं, तो उनसे प्राप्त करते हैं वो जानकारियां कि ये किस समय में लिखी गई होंगी या किसके द्वारा लिखी गई होंगी। तो चलिए शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो इसके पिता कहा जाता है सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। सबसे पहले आपको उनके ओरिजिन का मालूम होना चाहिए कि किसने उनको ओरिजिनेट किया। तो सबसे पहला है कि पुरातत्व के जनक जो कि है सर एलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद आते हैं कि इनमें क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। देवता, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, ये नाम आपको 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में मिलेगा जो क्या है बोगाज कोई। आपको मेन क्या याद रखना है कि इन अभिलेखों के नाम क्या है, क्योंकि वही है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो देवता, मित्र, वरुण, इंद्र, इस जन से नाम 1400 ईसा पूर्व में आपको कौन से अभिलेख में मिलने वाला है? बोगाज कोई। तो आगे आते हैं कि मध्य भारत में भागवत धर्म का जो प्रमाण है वो गरुड़ समलेख से प्राप्त होता है, वो किससे पता चला आपको? जो कि हेलियोडोरस से हमें मालूम हुआ है। अब आपको ये मालूम हो गया कि मध्य भारत में भागवत धर्म का प्रचार हुआ और उसका प्रमाण भी हमें गरुड़ समलेख में मिला, लेकिन ये हेलियोडोरस के वजह से आपको मिला है। अब ये हेलियोडोरस है कौन? देखिए, ये क्या था, जो यूनानी राजा का नायक हुआ करता था, ये खुद तो यवन था, लेकिन स्टिल इसने क्या किया था, भागवत धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था, उसका अनुयायी बन गया था, और इसी वजह से इनके अभिलेखों में हमें इनका प्रमाण देखने को मिलता है भागवत धर्म का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे कि सबसे पहले भारतवर्ष का नाम कौन से अभिलेख में है। अगर बात की जाए अपने भारतवर्ष की, तो इनका भी तो पूरा विवरण है ना। तो ये जो नाम है हमारा भारतवर्ष, इसका विवरण हाथी गुंफा अभिलेख में अक्सर प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे और स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे कि सौगोरा अभिलेख सबसे पहले, ये तो पहला हो गया अभिलेख का नाम कि सौगोरा अभिलेख सबसे पहले किसकी जानकारी, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला है। अब देखिए ये क्या बताता है आपको कि मान लीजिए किसी कारणवश संकट काल आ जाता है, कोई आपातकालीन स्थिति खड़ी हो जाती है, तो उस दौरान आपको किस तरीके से खाद्यान्नों का उपयोग करना है, कैसे उनके संभाल के रखना है आगे के लिए, इसका उल्लेख, इसका विवरण आपको किसमें मिलेगा, सौगोरा अभिलेख में मिलने वाला है। आगे है छठा पॉइंट कि सबसे पहले भारत पर होने वाले हूण आक्रमण का उल्लेख किसमें है। तो सबसे पहले भारत पर होने वाले हूण आक्रमण का उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में है। और अगर हूण आक्रमण की बात की जाए तो हूण सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। तो आगे देखिए सातवां पॉइंट आपको क्या कहता है कि सती प्रथा के साक्ष्य, यानी हमें जो सती प्रथा से जुड़े हुए सबूत मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो हमें कौन से अभिलेख में मिलते हैं? तो एरण अभिलेख से मिलते हैं। तो ये कुछ प्राचीन बातें हैं, हालांकि हमें ये पता है कि सती प्रथा को कौन आगे लेकर आया, कौन इसको प्रमोट करता है, किस कैसे नारी शक्ति को बढ़ावा दिया गया, लेकिन हमें इनके प्राचीन इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में इनका जो ओरिजिन है, जो इनका विवरण है, वो किस अभिलेख में है। तो अगला देखिए कि रेशमी बुनकरों की जानकारी आपको कौन से अभिलेख में मिलेगी। तो रेशमी कपड़ों की या रेशमी बुनकरों की जानकारी आपको मंदसौर अभिलेख में देखने को मिलती है। नाइन्थ पॉइंट है कि गर्तावास, जिसे हम गड्ढा घर भी बोलते हैं, इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण आपको बुर्ज होम में देखने को मिलेंगे, जो कि कश्मीर का एक ऐतिहासिक स्थल है। अब देखिए गर्तावास यानी गड्ढा घर, इसके नाम को जानते हैं, इसमें होता क्या था, सीढ़ियां बनी हुई होती थी, जहां पर क्या होता था, पालतू पशुओं को जो उनके ऑनर हैं उन्हीं के साथ क्या दफनाया जाता था मृत्यु के बाद। आते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है आहत सिक्के। अब प्राचीनतम जो सबसे पुराने हमारे भारतीय इतिहास के सिक्के हैं, उन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था, और प्राचीनतम सिक्कों को या उसके साहित्य में इसको क्या कहा जाता था, अगले पूछा था, तो इसे काशार्पण कहा जाता था।
सिक्कों पर लेख शुरू करने की शुरुआत किसने की थी? अब देखो सिक्कों पर भी लेख होते थे तो उसकी शुरुआत किसने की थी? तो यवन शासकों ने सबसे पहले शुरुआत की थी कि सिक्कों पे अभिलेख लिखने की, या फिर आप कहते हैं ना गोदने की। चलिए देखिए अगला पॉइंट 11 क्या कहता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। अब इनके प्रमाण देखिए हमें कहां देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। वीणा बजाती मुद्रा वाले सिक्कों से, यानी ऐसे सिक्के जिसपे वीणा, ऐसी मुद्रा छपी हुई है जिसपे वीणा बजाई जा रही है, तो वहां से पता चलेगा कि समुद्रगुप्त क्या है, संगीत प्रेमी थे, और जो कि वो क्या थे, गुप्त वंश के चौथे सम्राट थे। तो आप याद रखेंगे यहाँ से कि गुप्त वंश के चौथे सम्राट कौन थे, तो वो समुद्रगुप्त थे। चलिए आगे, अरिकमेडु जो कि कहाँ स्थित है, पुडुचेरी के निकट स्थित है। तो अरिकमेडु में हमें मिला क्या था, रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पुरातत्व ज्ञान की, तो वो दबे हुए सिक्के जब मिले तो उनकी स्टडी करने में पता चला कि वो सिक्के कौन से हैं, रोमन के सिक्के हैं। आगे आते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेखों को हम क्या बोलते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी कि जो उसकी स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स की स्टडी को, उन्हें हम कहा जाता है इपिग्राफी, इपिग्राफी। आगे आइए, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली, कला शैली। देखिए उत्तर भारत, हमारे भारत के उत्तरी हिस्से में जितने भी मंदिर हैं और उनमें जितनी भी कलाकृतियां करी गई हैं उन्हें नगर शैली के नाम से जाना जाता है। जबकि बात करें दक्षिण भारत की, यानी साउथ वाले हिस्से की, तो वहां की शैली को द्रविड शैली के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पंचायतन, जिसे हम कहें यह शब्द मंदिरों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए किससे जुड़ा हुआ, ये पूछा गया तो आप बताएंगे कि मंदिर से जुड़ा शब्द है। पंचायतन मतलब होता क्या है कि बीच में एक मंदिर है और वो चार ओर से मंदिरों से घिरा हुआ है, यानी कि उसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर हैं और बीच में भी वो क्या है, एक मेन मंदिर है, उसे हम पंचायतन बोलते हैं। और ये शब्द किससे जुड़ा है, मंदिरों से। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण है कि ये ऐसे मंदिर है जहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे कि चारों ओर मंदिर में ही मंदिर है घिरा हुआ। कंद्रिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये हमारे भारत के ही अलग अलग हिस्सों के मंदिर है। अब आते हैं अभिलेखों के ज्ञान पर, यानी कि अभिलेख और किसके शासक काल में, यानी उस समय किसका काल था, कौन शासक था, उनके काल में कौन कौन से अभिलेख लिखे गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाथी गुम्फा, जो हमने पढ़ा कि सबसे प्राचीन क्या है, जिसमें हमें अपने भारतवर्ष का नाम मिला, तो वो हाथी गुम्फा था। तो हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो किसके शासनकाल में रखा गया, कलिंग राजा के शासनकाल में, कलिंग राजा खारवेल। देखिए दूसरा क्या है, जूनागढ़, जूनागढ़ क्या है, रुद्र दामर, इनके शासनकाल में। तीसरा है अपना नासिक, और नासिक क्या है, गौतमी बलश्री के शासनकाल में ये अभिलेख लिखा गया। आगे है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में, जो हमने आपको बताया कि वो चौथे गुप्त वंश के सम्राट थे। फिर है ऐहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय, सेकंड नंबर याद रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय के, उसमें मंदसौर, जो कि है मालवा नरेश यशोवर्मन के शासन काल में लिखा गया अभिलेख है। ग्वालियर का अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासन काल में लिखा गया। भीतरी एवं जूनागढ़, ये जूनागढ़ अलग है और भीतरी एवं जूनागढ़ अलग है, जो कि स्कंद गुप्त के शासक काल में लिखा गया। और आखिरी हमारा देवपाड़ा, बंगाल शासक विजय सेन के शासक काल में लिखा गया अभिलेख है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।